मैं सुभाष यादव, मैनेजिंग डायरेक्टर गुरुकुल पब्लिक स्कूल पद्धर, मेरी व मेरे स्टाफ मेंबर की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों, गुरुकुल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों व अभिभावकों को लोहड़ी व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। धन्यवाद। दिव्यांगों के कानूनी सलाहकार और समाज सेवी कुशल कुमार सकलानी ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से मांग की है कि दिव्यांगों को उनका हक मिलना चाहिए। रमेश कुमार, जो कि देख नहीं सकते और सुंदरनगर आईटीआई में कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, उन्हें रहने के लिए सरकारी क्वार्टर मिलना चाहिए। रमेश का दुनिया में कोई नहीं है और वह बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। साथ ही उनकी 100% आंखों की रोशनी जा चुकी है, सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिए। रमेश कुमार का कहना है कि वह हर महीने बड़ी मुश्किल से अपना खर्चा कर पाते हैं या कुछ लोग उनकी मदद करते हैं। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी एक पत्र दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है। मैं सिर्फ एक चीज़ मांगना चाहता हूँ कि मेरे पास इतना भी फाइनेंस नहीं है कि मैं कोई क्वार्टर या पीजी लेके रह सकूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे लिए कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध करे कि हमें हमें आगे बढ़ने में, और ऐसे जो हमारे स्टडी या कुछ भी हो तो हमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हमें यहाँ पे रहने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे हमारा किराया 8,000 है। तो कृपया करके डीसी महोदय से मैं यही निवेदन करता हूँ कि हमारे लिए कोई सरकारी क्वार्टर उपलब्ध करे। डीसी महोदय से अनुरोध करूँगा कि त्वरित जो है इनके लिए कोई जमीन और पेंशन और उससे संबंधित हर तरह की सहायता जो इन्हें मुहैया करवाई जाए। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। मैं गुलाब सिंह चौहान, प्रधानाचार्य असेंट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पद्धर, अपनी ओर से, प्रबंध समिति की ओर से तथा समस्त स्टाफ की ओर से सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को तथा पद्धर क्षेत्रवासियों को लोहड़ी व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मेरी ओर से विकास खंड गोहर के समस्त पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की ओर से, स्टाफ की ओर से, ब्लॉक के समस्त स्टाफ की ओर से आप सभी को लोहड़ी व नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं लोक निर्माण विभाग मंडल गोहर की तरफ से, अपने सभी कर्मचारी साथियों की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को लोहड़ी और नववर्ष की शुभकामनाएँ देता हूँ। विद्युत मंडल गोहर की के सभी SDO और सभी स्टाफ की ओर से गोहर वासियों को एवं सभी उपभोक्ताओं को लोहड़ी की एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नववर्ष सबके लिए मंगलमय रहे। प्रदेश ENB अध्यापक संघ की ओर से सभी प्रदेशवासियों को सर्वप्रथम नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी के साथ ही हमारा जो लोहड़ी का त्यौहार है, ये पूरे उत्तर भारत में जो है बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ये जो लोहड़ी का त्यौहार है, ये मकर संक्रांति के पूर्व संध्या में इसका आयोजन किया जाता है। तो इसमें जो है पूरे परिवार और आस पड़ोस के लोग जो है मिलकर के पूर्व संध्या में एक अलाव जला करके जो है रेवड़ियाँ, मूँगफलियाँ वगैरह जो है आपस में बाँट के खाते हैं। इस त्यौहार को जो है एक आपस में एकता का त्यौहार के रूप में से मनाया जाता है। तो मैं लोहड़ी के त्यौहार की जो है पूरे CNB अध्यापक संघ की ओर से जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और प्रदेश महासचिव देवदत्त शर्मा तथा कोषाध्यक्ष धनवीर जी की ओर से भी पूरे प्रदेशवासियों को लोहड़ी तथा नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उपेंद्र कुमार, प्रधानाचार्य DAV पब्लिक स्कूल गोहर, अपने मैनेजमेंट कमेटी स्टाफ की ओर से समस्त गोहर वासियों को लोहड़ी व नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मैं पवन ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत चोलथरा, लोहड़ी के इस पावन अवसर पर
समस्त जिला प्रदेशवासियों को और स्थानीय जनता को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। विनोद गुलेरिया बास्केटबॉल कोच, जो भी टीमें चोलथरा में इस बास्केटबॉल और वॉलीबॉल की टीमें पार्टिसिपेट कर रही है उनको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं राजीव आर्या, प्रदेश संयोजक भाजीमो आईटी सेल, आप सभी प्रदेशवासियों को और खासकर जिला मंडी वासियों को लोहड़ी की पावन मेला पर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मैं भूपेंद्र सिंह, सजापीपड़ू जिला परिषद वार्ड सदस्य विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर की समस्त जनता को, प्रदेशवासियों को, मंडी जिला वासियों को लोहड़ी के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो पर्व है आप सब के लिए मंगलमय हो, शुभ हो। एक बार पुनः आप सबको मेरी तरफ से लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अंतिम ठाकुर, मैनेजिंग डायरेक्टर दिल्ली पब्लिक स्कूल अवाधेवी। सभी प्रदेशवासियों को लोहड़ी के इस पावन अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।